तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। शानदार सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और आज है इसका दूसरा दिन। खैर शानदार ही नहीं कहेंगे, फिल्मी सितंबर भी कहेंगे इस बार 2023 के सितंबर को, क्योंकि इस साल सितंबर लेके आया है ढेर सारी ब्लॉकबस्टर, चटपटी मसाले में एक नंबर धमाकेदार मूवीज एंड वेब सीरीज अलॉन्ग विथ OTT प्लेटफॉर्म्स। तो आज काम ज़्यादा है इसलिए बकवास बिल्कुल नहीं होगी। खैर ये तो सभी को पता है कि सितंबर की ओपनिंग या फिर यूँ कहो कि सलामी बल्लेबाज हैं SRK की मोस्ट मच अवेटेड मूवी जवान, और शानदार फिल्मी सितंबर को फिनिश करेंगे प्रभास अपनी मोस्ट मच अवेटेड मूवी सालार के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक सितंबर को या फिर यूँ कहो कि सितंबर की शुरुआत करी है स्कैम 2003 की रियल लाइफ इवेंट पर घटित सच्ची घटना पर वेब सीरीज, जो बिल्कुल स्कैम 1992 की तरह डिक्टो कहानी होगी। और ये है तेलगी घोटाला, जिसमें आपको 32,000 करोड़ का घोटाला देखने को मिलेगा, और ये वेब सीरीज आपको सोनी लिव ऐप पर देखने को मिलेगी। सेम डेट 1 सितंबर को दूसरी सीरीज है फ्रीलांसर, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज करी गई है। एक रेस्क्यू टाइप मिशन है और बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज होने वाली है। और अगर आपको बता दूं तो इस वेब सीरीज को डायरेक्शन दिया है नीरज पांडे ने, और मैं आपको बता दूं तो इस बंदे ने MS धोनी हो गई, बेबी मूवी हो गई, वेडनेसडे मूवी हो गई, और बेबी जैसी दिग्गज फिल्में तो देख रखी हैं आपने। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्रीलांसर का क्या लेवल होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो बेबी भी एक रेस्क्यू टाइप मिशन मूवी थी, तो कॉन्टेंट फ्रीलांसर से मिलता जुलता है। तो फ्रीलांसर भी देखना तो पड़ेगा कि क्या है इसमें और क्या मिल सकती है, इसका भी मैं रिव्यू लेके आ जाऊंगा एक आध दिन में, जब वेब सीरीज पूरी देख लूंगा। इसी के साथ 1 सितंबर को ही दुलकर सलमान की किंग ऑफ कोथा भी रिलीज होनी है, और हॉलीवुड से इक्वलाइजर के 3rd पार्ट रिलीज होगा और भी हिंदी डब के साथ, और साउथ से विजय देवरकोंडा की रोमांटिक कॉमेडी मूवी भी 1 सितंबर को ही रिलीज करी जानी है, जिसमें आपको सामंता रुद्र प्रभु जैसे दिग्गज स्टार इनके साथ बराबरी करते दिखेंगे विजय देवरकोंडा के साथ। इसी के साथ चलते हैं 6 सितंबर को और सीधा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से आई एम ग्रूट का सिक्वल सीजन 2 हमसे मुलाकात होने वाली है। जस्ट एक दिन बाद 7 सितंबर को होगा सीधा बड़ा धमाका। ये डेट याद रखना, 7 सितंबर होने वाली है हिस्टोरिकल, क्योंकि 7 सितंबर को जवान दस्तक देने वाला है, और इस छोटे से पिटारे में अटली कुमार अपनी टीम के साथ SRK को लीड में रखकर, नयनतारा विजय सेतुपति को रखकर जवान मूवी के साथ जबरदस्त तांडव करने वाले हैं। सेम डे हॉलीवुड से जवान को टक्कर देने आ रही है द नन पार्ट 2, लेकिन कुछ उखाड़ ना पाएगी जवान का। सेम डे आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हड्डी मूवी देखने को मिलेगी G5 पर, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर बेस है। फिर सीधा चलते हैं 15 सितंबर को, जहां 2 जबरदस्त साउथ फिल्में पहले ही इंतजार कर रही हैं, जिसमें से पहली है मार्क एंटनी गैंगस्टर एरा पर बेस होगी ये फिल्म, और स्टोरी लाइन थोड़ा ये पता चल रहा है कि गैंगस्टर एरा पे टाइम ट्रेवल चलेगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत नया है, पर कितना पसंद आएगा लोगों को ये देखना पड़ेगा, 15 सितंबर को ही पता चलेगा। दूसरी मूवी है स्कंडा, ट्रेलर देखकर इसमें लग रहा है लॉजिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहां। इसी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आपको सेम डे पर काला नाम की वेब सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसका कंटेंट होगा क्राइम थ्रिलर ड्रामा। चलते हैं 19 सितंबर को, जहां हमें कंगना रनौत की चंद्रमुखी का सिक्वल से मुलाकात होगी, और ये वीरांगना तहलका मचाने वाली है फिर से। सेम डे करीना कपूर खान का कर रही है अपना OTT डेब्यूट, नेटफ्लिक्स पर इनका कंटेंट आ रहा है मिस्ट्री ड्रामा पर बेस विथ वेरी टैलेंटेड विजय वर्मा एंड जयदीप अहलावत। उसके बाद सीधा 22 सितंबर को मुलाकात होगी विकी कौशल की फैमिली ड्रामा एंटरटेनमेंट पर बेस फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली। सेम डे शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुखी का भी रिलीज होना है, जिसमें एक फ्रस्ट्रेटेड हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल को दिखाया जाएगा। और अब आते हैं एक ऐसी डेट में जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 28 सितंबर को अब सलार नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, सलार पोस्टपोन हो चुकी है। 28 सितंबर को भी हिस्टोरिकल डेट होने वाली थी, लेकिन प्रशांत नील मेकर्स ने कर दिया मूवी को पोस्टपोन। कसम से बहुत उम्मीदें जुड़ी थी कि पूरा सितंबर यादगार होने वाला है, जबरदस्त मजा आने वाला है, लेकिन सलार मूवी हो चुकी है पोस्टपोन। इस पे एक डिटेल वीडियो बना दी गई है, आप चैनल विजिट करें, आपको फुल डिटेल वीडियो वहां मिल जाएगी। क्या एक्चुअल रीजन रहे क्या नहीं रहे, उसमें डिटेल से चर्चा होगी। सेम डे आपको वैक्सीन वॉर देखने को मिलेगी 28 सितंबर को विदाउट एनी हाई कंपटीशन, जिसके मेकर्स पहले ही कश्मीर फाइल जैसी मूवी दे चुके हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वैक्सीन वॉर कितनी जबरदस्त मूवी होने वाली है। तो मेरी लिस्ट हो गई है अब खत्म, अब आपका काम शुरू, अपना जबरदस्त सितंबर इस महीने को करो डिजाइन, क्योंकि इस महीने दिग्गज मूवीज आने वाली हैं, दिग्गज वेब सीरीज आने वाली हैं। और अगर आप मूवी लवर्स हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी
कोई इंपॉर्टेंट मूवीज आपसे छूट ना जाए, इसलिए महीने का पूरा डेटा मैंने आपको दे दिया है। तो आपको आपके फेवरेट मूवी के साथ आपका कौन सा काम क्लैश कर रहा है, तो प्रिपेयर योर मंथ नाउ। तो जवान के अलावा और कौन सी मूवी का इंतजार आप कर रहे हैं, क्योंकि जवान का इंतजार तो सभी लोग कर रहे हैं और 7 सितंबर को यह धमाका फटने वाला है। कौन सी मूवी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। इसी के साथ खत्म करने से पहले आपको बता दूं तो इस महीने बड़े बड़े ट्रेलर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।